वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बीते दिन कांग्रेस के सभी पदों के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से विरोधियों में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि अब कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ट्वीट कर उन सभी विरोधियों को करारा जवाब दिया है। एक के बाद एक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस 2024 आते आते बेहद कमजोर हो जाएगी। बीजेपी का मुकाबला करना कांग्रेस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्या कांग्रेस बीजेपी को हरा पाएगी? ये वो सवाल हैं जो गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद से सियासी गलियारों में उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजाद के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस विरोधी खेमे में खुशी देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस इन सभी सवालों का मुखर होकर जवाब दे रही है और विरोधियों को चुप करवा रही है। उसी कड़ी में अब सोनिया गांधी ने भी ट्वीट कर विरोधियों और कांग्रेस का साथ छोड़कर जा चुके नेताओं को करारा जवाब दिया है। सोनिया गांधी ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस की असली ताकत वो हर एक कार्यकर्ता है जो दिन रात बिना डरे बिना झुके देशहित में पार्टी के लिए काम कर रहा है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। सोनिया गांधी का ये ट्वीट उन लोगों के लिए संदेश है जो कांग्रेस को कमजोर आंकते हुए उसकी मजबूती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अपने इस ट्वीट से पहले उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो पिछले दिनों कांग्रेस का साथ छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा, जो देश के साथ हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, जिनको डर लगता है वो कल जाते तो आज ही पार्टी छोड़कर जा सकता है। सोनिया गांधी ने अपने ट्वीट से बता दिया कि गुलाम नबी या फिर दूसरे नेताओं के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बता दें कि बीते दिन गुलाम नबी ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन कांग्रेस पहले से ही इसके लिए तैयार थी, इसलिए उनका जाना कांग्रेस के लिए किसी भी तरह कोई झटका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अब युवाओं पर फोकस कर रही है, जिससे नबी नाखुश थे और उनकी ये नाराजगी समय समय पर सामने आ रही थी, जो कांग्रेस की छवि खराब कर रही थी। ऐसे में नबी कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदायक ही साबित हो रहे थे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।